हेलो दोस्तों, आज रूपीज किचन में हम फ्रूट्स कस्टर्ड बनाएंगे। मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए केला, आम, सेब, अनार और कीवी लिया है और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी फल डाल सकते हैं। और इसके लिए चाहिए होगा 1 गिलास दूध, चीनी और कस्टर्ड पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में 1 गिलास दूध गर्म कर लेंगे और इस गुनगुने दूध से हम कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और दूध को गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 3 से 4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं इसमें। इसे हम इस तरह से हिलाते रहेंगे और दूध को अच्छे से पकाएंगे। दूध को अच्छे से पकने के बाद हम इसमें घुले हुए कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर को डालते ही हमें दूध को थोड़ी तेजी से मिक्स करते रहना है, जब तक कस्टर्ड पाउडर घुल ना जाए। इसे हम ऐसे हिलाते रहेंगे और कम आंच में हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। कस्टर्ड मिल्क अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे बाहर थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब एक बाउल में कटे हुए फल डाल देंगे। इसके बाद हम फ्रिज में ठंडा किया हुआ कस्टर्ड मिल्क डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कस्टर्ड तैयार है। थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये स्वीट डिश पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।